देखा जा सकता है अपने स्वार्थ के लिए इंसान न जाने कितना गिरता है, हर रोज गिरता है, हर कदम पर गिरता जा रहा है। देखा जा सकता है ये छोटा बच्चा अभी अचानक से हम लोग बाहर बैठे हुए थे और ये आ गया, हमने देखा चलो इसको रोटी डाल देते हैं क्योंकि गौ माताओं के लिए पहली रोटी घर में सबको बताई गई है कि गौ माता के लिए पहली रोटी होती है, लेकिन ये नंदी महाराज है तो इसके लिए कोई भी ना रोटी निकालता है ना ही कुछ भी नहीं करता है इसके लिए। तो देखिए देखो दूध पीकर बच्चे को छोड़ दिया गया है, गौ माता को अपने घर में रख लिया गया और बछड़ा होने के नाते इसको घर से बाहर निकाल दिया गया और आप देख सकते हो इसके दोनों पैरों पर पता नहीं किसने अटैक किया है और इसके गले पर बहुत ज्यादा जख्म हो रखा है। अभी दुष्यंत भाई ने इसको सेवा दी है और यह अचानक से मेरे घर आ गया और इसके गले में भी देखो परोपकार जितने संस्थान के नाम की कहते हैं ना बेल्ट बनी हुई है। तो अगर यदि आपके पास भी आस पास आपके गौ माता है तो प्लीज, यदि आप में गौ माता पालने की हिम्मत है तो प्लीज उनके बच्चों को भी पालने की हिम्मत रखें। प्लीज उनको सिर्फ दूध पीकर ऐसे घर से बेघर न करें, इनका वो अपना घर मान बैठते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं तो आप उनको घर से निकाल देते हो, यह इंसानियत नहीं है। प्लीज इंसान बनो और अच्छे कर्म करो, प्लीज बच्चों को भी घर पर पालना सीख हो जाए। पर ये बच्चा है इसके काफी लग रही है, विशेष सेवा की है इसकी दुष्यंत भाई ने, लेकिन इसके गर्दन पर बहुत ज्यादा लगी हुई है, ये लग रही है इसके शायद लगता है किसी कुत्ते वगैरह ने अटैक किया इसके ऊपर, देखा जा सकता है। और देखिए रोटी खिला रहा है उसको, कितने प्यार से वो खाना खा रहा है। वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं होता है कि हम दिखावा कर रहे हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि हम दिखावा कर रहे हैं तो ये दिखावा आप भी कर सकते हैं। इससे इंसान क्या होता है कि जागरूक होता है कि इसने भी ऐसा किया है तो हम भी थोड़ा ऐसा अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी सनी घर में गाय है तो प्लीज उनके बछड़ों को इस प्रकार न निकालें। आप देख सकते हैं इसकी स्थिति क्या हो गई है, आप बच्चियों को अपने घर में रख लेते हो और इस बच्चे को ऐसे निकाल दिया है, ये शोभा नहीं देता।